रही हूँ, ठीक है? ओके, मैम पेज नंबर 117 है ना? पेज नंबर 117, ओके? ऑडियो कर दिया मैंने। वन रुपी सिंगुलर है और टू के लिए हम लिखेंगे रुपीज, 2 रुपीज, ठीक है? एस लगा देंगे, जब वन से ज्यादा होता है तब हम एस लगा देते हैं ना, 2 रुपीज, और वन के लिए रुपीज, सिंगुलर होता है वन, तो 1 रुपी 2 रुपीज। देन 2 रुपीज में कितना पैसा, हाउ मेनी पैसा इन 2 रुपीज, ज्यादा की कम, ज्यादा होने की कम, 200 नहीं, लेस होगा कि मोर, ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा होगा ना तो वो मोर के लिए वीडियो का, और ज्यादा करने के लिए, हाँ तो 100 × 2 मीन्स कितने पैसे, 200 पैसा, 200 पैसे, ठीक है ना? नहीं लिखना है, अभी आपको देखना है बस, यस यस, अभी आपको समझना है, अभी कुछ करना नहीं है। अब देखिए ना, अब कन्वर्जन ऑफ रुपी एंड पैसा, रुपी को पैसे में कन्वर्ट करते हैं या पैसे को रुपीज में, ठीक है? अंडरस्टैंड? मान लो रुपीज 25 रुपीज, 25 रुपीज है, इसको हमको क्या बनाना है, क्या बनाना, पैसे में कन्वर्ट करना है। 25 रुपीज को किस में कन्वर्ट करना है, पैसे में, ठीक है ना? इसका मतलब कैसे, देखिए लिसन, आप पहले अपना साउंड ऑफ करें, साउंड ऑफ करें सारे बच्चे, विश हो गया, हाँ बस विश हो गया, बंद करें विश करना, पहले आप सुने यहाँ पर ध्यान से, ठीक है? जो बच्चे लेट जुड़ रहे हैं ना वो विश ना करा करे, जो लेट जुड़ रहे हैं ना वो डिस्टर्ब होता है क्लास, ठीक है ना? 25 रुपीज को हमको पैसे में क्या करना है, चेंज, कितने पैसे होते हैं, तो इधर देखिए 1 पैसा इक्वल टू 3, पैसे के लिए मैं 3 लिख दे रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में, या 1 रुपी इक्वल टू, नहीं नहीं अभी आप समझ लीजिए, अभी आपको समझना है बेटा, अभी कुछ नहीं करना है, आई विल ओनली एक्सप्लेनिंग, अभी आप समझ लीजिए कैसे करना है, ठीक है? 1 रुपी कितना होता है, 1 रुपी में कितने पैसे, 100 पैसे, 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे, 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे, आंसर दीजिए, देखना 25 रुपीज, 25 रुपीज को मतलब 25 × 100, तो कितना हो गया, 2500 पैसे, ठीक है? सिंपली आपको क्या करना होता है, जब रुपीज को आप पैसे, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए लेकिन केयरफुली, जब आप रुपी को पैसे बनाते हो ना, आपको आवाज आ रही है मेरी, आवाज आ रही है? देखो अब 78 रुपी है, इसको हमको पैसे बनाना है, क्या बनाना है, पैसे, तो सिंपली क्या करेंगे, यू सी सिंपली हम 78 और 20 ऐड कर देंगे, तो ये सब क्या बन जाएंगे, पैसे, मतलब 7800 पैसे। अगर रुपी को हम पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो क्या ऐड कर देना चाहिए वहां पे, 20, क्योंकि 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे। अगर हम ऐसे करते हैं, देखिए तब भी यहाँ पे 20, हमने 25 रुपीज को पैसे में कन्वर्ट किया तो 100 से मल्टीप्लाई किया था ना, यस मैम, यस, 20 इंक्रीज हो गए थे ना यहाँ पे, तो अब सिंपली आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। अब बताइए आपको पहले आंसर, अभी कुछ नहीं करना है, ओनली गिव द आंसर, 15 रुपीज, पैसे बताइए जल्दी से, 15 रुपीज में कितने पैसे, बताओ जल्दी, 2 जीरो बढ़ा देंगे, यस 2 जीरो इंक्रीज कर देंगे, यस 1500 पैसे, ठीक है? आप 80 रुपीज में बताइए कितने पैसे, 80 तो है और 2 जीरो और इंक्रीज करना है, कितना हो गया, 8000, भाई 2 जीरो और इंक्रीज करेंगे ना इसमें, 8000
पैसे, ठीक है ना। नाउ अब अभी हमने पैसे को किसमें कन्वर्ट किया, सॉरी रुपीज को पैसे में। अब पैसे को किसमें कन्वर्ट करेंगे, रुपी में, ठीक है। पैसे को किसमें करेंगे, रुपी में, रुपी में। सपोज यहाँ पे पैसा है इतने पैसे है, 8900 पैसे है, ठीक है। अब इसको किसमें कन्वर्ट करना है, रुपी में। किसमें कन्वर्ट करना है, रुपी में। 89 रुपीस मैम। तो आपको क्या करना है, 89 रुपीस। मैं आंसर नहीं पूछ रहे हैं, पहले मेरी बात सुनिए। आई एम नॉट आस्किंग द आंसर, यू लिसन मी फर्स्ट। पहले मेरी बात सुने। अब पैसे को रुपी में कन्वर्ट करेंगे तो कम होंगे ना। जब रुपी को पैसा बना रहे थे तो वो ज्यादा हो रहे थे, कम लगा दे रहे थे। दिस वी आर चेंजिंग पैसे को रुपी, तो कम बनेंगे। कम बनने के लिए मीन हमको यहाँ पर ये जो भी दो नंबर है, सपोज 89, तो यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। ये यहाँ पे दो नंबर जोड़कर ये पैसे हो जाएंगे इधर, और ये बन जाएगा रुपी। ये रुपी हो गया और ये पैसे में जीरो पैसे और रुपी कितने, 89 रुपीज बनेंगे। When you will write, I will say, कब लिखना है आपको मैं बोलूंगी, अभी कुछ नहीं करना है। यू सी, अब बताइए ये हमारे पास पैसे है इतने, अब इनको रुपीज बताइए कितने रुपये और पैसे है इनमें, बताइए। तो देखिए अब हमको यहाँ से 1 रुपये = 100। देखिए 1, पहले मेरी बात सुनो, 1 रुपये = 100 पैसे, 1 रुपये = 100 पैसे, या 100 पैसा = 1 रुपी, 100 पैसा = 1 रुपी, ठीक है। तो इसमें ये 200 में कितना जीरो है, 20 है ना, 100 में 20। तो इधर से 1 + 2, 1 + 2, 2 नंबर काउंट करके यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, यहाँ पे डेसिमल। तो इसमें जो इधर वाला है ये क्या हो जाएगा, इतना वाला 15 क्या हो गया, रुपीज, और जो 65 है वो क्या बन गए, पैसे, है ना। अभी मैं और एग्जांपल यहाँ पे बता रही हूँ, आप आंसर बस करिएगा, अभी नोट नहीं करना है कुछ भी, ठीक है। जब नोट एक्सरसाइज हम करेंगे पहले आपको केवल आंसर देना है मुझे, ठीक है। 37786, ये क्या है, पैसे है। अब इनको कन्वर्ट करना है रुपीज में, बताइए कितना रुपीज, कितने पैसे, ग्रंथ ग्रंथ 38 पैसे, रुपी 37 रुपी 86 पैसे। यस, कैसे, देखिए यहाँ से ये 100 है ना, 100 पैसे = 1 रुपी, 100 पैसे = 1 रुपी। तो इसमें 20 था ना, तो 1 और 2 नंबर काउंट करके हम यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। तो जब ये वाला है ये बन जाएगा पैसे, और जो ये वाला पार्ट है ये बन जाएगा आपका रुपी, ठीक है। तो समझ आ रहे हैं, ये इतना समझ आया आपको, हाँ ये इजी में है, वी कैन कन्वर्ट इट। अब आप निकालिए अपना एक्सरसाइज 14 है, पेज नंबर 118, पेज नंबर एक्सरसाइज 14A, एक्सरसाइज 14, पेज नंबर 114A। ये वाली और पेज नंबर है 118, पेज नंबर 118, ये वाला। मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही है, 1 and 117 आपने नहीं करवाई, वो आपको करना है एक्सरसाइज, मनी है, यू विल डू इट योरसेल्फ, इट इज ओनली कॉइंस, दिस वन ना, हाउ मच मनी इज देयर, ये वाला ना,
Yes, ma'am. Yes, ma'am. I tell it. You have to do it. How much money is there? सबको इसको लिखना है. नहीं, इसको आप बुक में, ये होमवर्क है आपका, ये वाला और ये वाला. कितना मनी टोटल हो रहा है? आपने पॉइंट देखा हुआ है ना अपने घर में? हाँ, पॉइंट देखे. लिसन, आपने पॉइंट देखे हुए है ना घर में? पॉइंट देखे है ना नोट? तो फिर ये सबको टिक करना है. इसमें टिक करना है कि ये वाला 50 रुपी मिलकर कितने पॉइंट मिलकर 50 रुपी बनाएंगे, है ना. और इधर क्या करना है आपको, इधर आपको हाउ मच मनी, कितनी मनी है सबको ऐड करके नीचे लिख देना है ना. अब 50-50 पैसा ऐसा पोज, ये सब आपको ये खुद करना है बेटा, है ना. कैन यू डू इट? यू कांट डू इट योर सेल्फ. आप नहीं कर सकते, कर पाओगे क्या इसको? नो मैम, नहीं कर पाओगे. ये वाला करते, ठीक है. तो मैं ऐसे स्टार्ट कर रही हूँ उसकी. हम ऐसे चलेंगे, ऐसे देखिए आप, ऐसे मैं कर रही हूँ, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है. पहले मैं ऐसे जाऊंगी, फिर ऐसे जाऊंगी. तो नंबर वन ऑलरेडी डन, नंबर वन ऑलरेडी किया हुआ है. इसके बाद वाला मैं ये वाला बताऊंगी, ये फिर ये दिस वन और दिस वन, ठीक है ना. तो ये है यहाँ पे 50 50 प्लस 10 60 और 60 प्लस 25, टोटल कितने रुपी है या कितने पैसे हैं? पूरा रुपी नहीं है ना, रुपी मतलब रुपीज कुछ नहीं है, केवल पैसे हैं. रुपीज 85 या नहीं, 85 टोटल 85 रुपी. रुपी मतलब पैसे नहीं है इसमें. हाँ बेटा, लाइट हैज गॉन एयर. यू वेट वेट फ्यू मिनट्स. नाउ नेक्स्ट वन इज कितना है, मतलब देखिए इसमें मतलब जीरो पैसे, जीरो रुपीज है और 85 पैसे है. नेक्स्ट वन है 2 रुपीज. 50-50 के नहीं आ रहे क्या? 50-50 लेकिन 50-50 पैसे के, 50-50 पैसे के 4 पॉइंट है. तो कितना हो गया? 50-50 पैसे के 4 पॉइंट, और टोटल हो गया 2 रुपीज. 2 रुपीज कितना हो गया? 2 रुपीज, है ना. उसके अगले वाला हो गया 3. हम यूकेजी के भी स्टूडेंट आ गए हैं. हाँ, यूकेजी के 3 रुपीज 50 पैसा. ये आपको दिख रहा है ना? अब मैं नीचे वाला कर दे रहा हूँ. रुपीज 8, उसके नीचे रुपीज 8 प्लस रुपीज 12 रुपीज 50 पैसा, देन रुपीज 32, रुपीज 32 एंड लास्ट है रुपीज 170, रुपीज 170. ये वाला था, ठीक है. मैं सबसे पहले वाले में क्या हुआ? ये वाला नहीं, मैं मॉर्निंग मैथ में. ये यस मैम, 2 रुपीज. मॉर्निंग मैथ मॉर्निंग 2 रुपीज है वो, 2 रुपीज. ओके, नहीं 1 रुपी नहीं है, रुपी की जगह 0.85 पैसे है. पॉइंट लगाए ना, पॉइंट लगाए ना, 85 पैसे है वो, रुपी नहीं है, 85 पैसे है. लेकिन रुपी नहीं बन पाया. रुपी कब बनता है? जब 100 पैसे हो जाते. इसमें अभी 15 पैसा कम है, रुपी नहीं है अभी ये पैसा. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. नाउ अब हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 14 में. मैम, हाँ हाँ, ये सबसे लास्ट वाले में क्या है? ये रुपीज 170, रुपीज 170, 170, ठीक है.
इरेज कर दूं उसको, इरेज कर दे। ओके यस मैम। नाउ नाउ यू विल टर्न योर पेज नंबर 118। अब हम करेंगे पेज नंबर 118 एक्सरसाइज 14 में। एक्सरसाइज 14 में पेज नंबर 118 लिख दिया है। देखो आप बोर्ड पर देखिए, करिए इसको 118 निकाल दिया सबने। हाँ यस। नाउ नंबर 114 ए का 1, वी आर डूइंग 1 नंबर, ठीक है। 1 का ए, देखिए 1 का ए कर रही हूँ मैं, नंबर 1 और उसका ए। क्या करना है, हेडिंग क्या है 1 की, हेडिंग रीड का, हेडिंग हेडिंग रीड करिए, चेंज टू पैसे, मतलब हमारे पास सारे रुपीज दिए गए हैं और सबको किसमें चेंज करना है, पैसे में। इसी रेट में क्या करना होगा, सब में हमको 20 बढ़ा देना है सब रुपीज में, है ना। तो नंबर 1 कितना है, रुपीज 5 लिखा हुआ है ना, रुपीज 5 है ना, तो पैसे कितने हो जाएंगे 500 ना। बी में कितना होगा बताइए, 6800। गुड, मैं आंसर आंसर लिख दूं, बस क्वेश्चन आपके में लिखा है। हाँ हाँ, तो कितना हो गया, आप अपने से निकाल सकते हो 1900 अपने से 6800 देन 9000 आप देखिए बी में देखिए, आप देखिए ये है, इसको समझ लो पहले, इसमें लेकिन 1 रुपी और 50 पैसा है, 1 रुपी 50 पैसे है इसमें। तो इसमें पहले जो रुपी है 1, कितना रुपी है, एक रुपए में पैसे बताइए कितने होंगे, 1 रुपए में कितने पैसे, 8000। ये तो, और सुनो ये तो पैसा ही है, इसको तो चेंज नहीं करना हमको, ये तो पैसे दिया गया, ऐड कर देंगे। हाँ तो कितना पैसे, तो कितने पैसे होंगे डी वाले में, 800 ठीक है ना, पैसे उसको है ना। या पैसे कर सकते हो, चलो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये ऐसे है सपोज, लेकिन ये लेकिन 1 रुपया, हाँ ये या देखे यहाँ पे, या 1 रुपये 50 पैसा है ना, तो आप क्या करोगे, डेसिमल हटा दो, ये डेसिमल दिया है ना, इसको जाके आप डायरेक्ट लिख दीजिए ऐसे 850, पूरा पैसा बन गया 850, आप डेसिमल हटा दीजिए बस, सिंपल। नाउ ई नंबर, ई 11, आप देखिए ये दिया गया है ना 11.00 है ना, 11.00 दिया गया है ना, 11.00। आपको क्या करना है, सुनो ध्यान से देखो, बस ये पॉइंट हटा दो, रुपीज वाला पैसे बनाने के लिए आप सीधा लिख दो 1100 है ना, पॉइंट हटा देंगे जब हम पैसे में कन्वर्ट करते हैं, दैट टाइम जब हम उसको पैसा बना रहे था, पॉइंट हटा के पूरे नंबर लिख दीजिए, तो वो क्या बन जाएगा, पैसा बन जाएगा। हम पॉइंट हटा के पूरा लिख देंगे तब जब हम उसको पैसे में चेंज करते हैं उस टाइम, ठीक है। नाउ डी एफ नंबर, एफ बताइए उसमें कितना, डेसिमल हटा के पूरा नंबर लिख दीजिए, वो पैसा बन जाएगा, बस डेसिमल हटाइए पूरा नंबर बताइए क्या है। हाँ 8775 क्या बन गए, क्या बन गए पैसे, पॉइंट हटा दिया हमने तो टोटल पैसे हो गए, हाँ ये पैसे बन गए, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, नंबर 2,
यस एस वाले में 1775 हाँ 75 है ना, हाँ 75 अब हमको क्या करना है, रुपी में चेंज करना है। रुपी में चेंज करने के लिए कम बनेंगे ना पैसे, पर जब रुपी बनाएंगे, देखिए 1 रुपी में 100 पैसा आता है, इसका मतलब रुपी ज्यादा बड़ा हुआ ना, रुपी बड़ा हुआ ना, जब 1 रुपी में 100 आ रहा है तो इट मीन्स रुपी की वैल्यू पैसे से ज्यादा होती है, है ना। तो और व्हाट यू हैव टू डू, क्या करेंगे इधर देखिए, नंबर ए टू का वेट, देखिए ये पैसे दिए गए ना 3225 पैसे, ये क्या है, पैसे दिए गए हैं ना आपके पास 125 पैसे है ना, ये इनको क्या बनाना है, हमको हाँ तो देखिए इधर 1 और 2 नंबर काउंट करके इधर पॉइंट लगा देंगे, तो कितना बना 32 क्या है रुपीज और 25 पैसे, तो आप आंसर क्या लिखेंगे 32 लिख सकते हो रुपीज 32.25 ऐसे भी लिख सकते हो रुपीज 32.25 में 32 रुपीज 25 पैसे, हाँ यस चल। इन नंबर का आंसर क्या होगा, किसका, ई नंबर का, ठीक है। अभी अभी आपने कर लिया ना, अभी तो हमने बी भी नहीं किया है, बी का बाद में बताएंगे ना, अभी तो बी नंबर करेंगे। इसको रेज कर दो, मैं ए वाले को रेज कर दो, बी नंबर बी वाले में बताइए कितना बना, कितने रुपीज है बी वाले, नो 2065 पैसे है ना। पहले आप मेरी बात सुनो, आप बात नहीं सुन रहे, 2065 पैसे है ना, उसको रुपी बनाना है, तो कहाँ पे पॉइंट लगाएंगे हम, 65 के बाद लगाएंगे ना, कम बनेगा 2000 कहाँ आएगा, कम बनेगा ना, 1000 कहाँ जा रहे हो आप, ये है देखिए 265 पैसे है ना, इनको रुपी बनाएंगे, देखिए 1 और 2 यहाँ पे लगा दें, इसमें 2 रुपी और 65 पैसे क्या हुआ, देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं ₹2 and 65 पैसे, ऐसे भी लिख सकते हैं 65 पैसे, और या ऐसे भी लिख सकते हैं ₹2.65, देखिए दोनों तरह ₹2.65 भी लिख सकते हो और ₹2.65, ये नहीं दिख रहा ना आपको, ये ऐसे दोनों तरफ से सही है, आप ऐसे भी लिख सकते हो ₹2.65 इट मीन ₹2.65 लाइक दैट यू कैन डू इट, ओके। ये रेस कर दूं क्या, कंप्लीट चलो ना, हाँ क्या, हाँ बुक में ही करना है, बुक में करना है, बुक में ही कर रहे हैं आपको, ठीक है। अब नंबर थ्री सी वाला करेंगे, हाँ सुनिए, हाँ सुनाओ सेकेंड नंबर का ये पूरा आंसर है, नहीं पूरे नहीं है, अभी सी नंबर स्टार्ट करूंगी, मैंने ए और बी ही किया है, अभी अब सी वाला शुरू कर,
ये बी वाला है, देखो ये बी वाला है, ये बी वाला किया है मैम ने, ये वाला बी वाला, ये बी का है। अब टू का सी नंबर, हाँ बोलो कौन बोल रहे हैं? हम इसका वीडियो भेजेंगे। हाँ भेज देंगे। टू का सी, टू का सी, टू नंबर का सी नंबर 50,000 No, it is wrong. फिफ्टी पैसे, फिफ्टी पैसे को क्या बनाना है हमको? रुपी बनाना है ना, रुपी बनाना है ना, तो इट मीन्स इट इज हाँ रुपीज नो पॉइंट फिफ्टी, बस पॉइंट फिफ्टी रुपी रुपी आरी वन है ना, वन रुपी से कम है तो आरी आरी रुपीज पॉइंट फिफ्टी, मतलब ये वन रुपी भी नहीं बना है अभी, अभी ये वन रुपी नहीं कंप्लीट है, ओनली फिफ्टी पैसा है इसमें। ये वन रुपी कब कंप्लीट होगा, कब कंप्लीट होगा वन रुपी? आंसर दीजिए मुझे, आंसर दीजिए। हाँ जब फिफ्टी पैसे और प्लस कर देंगे, अरे देखो आप लोग शोर कम कर रहे थे ना, मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। जब फिफ्टी पैसा और ऐड करेंगे इतना भी वन रुपी बनेगा है ना, अभी इसका ये हाफ रुपी है, नहीं ये हाफ रुपी है सर, तो क्या लिखेंगे? रुपी पॉइंट फाइव जीरो, रुपी पॉइंट फाइव जीरो। नाइन नंबर बी, बी का एक पैसे, एक पैसे है ना, रुपीज पॉइंट एट, तो क्या करेंगे? रुपी रुपीज पॉइंट एट पॉइंट जीरो एट, पॉइंट जीरो एट, क्योंकि ये टेन पैसे भी नहीं है, टेन पैसे से भी कम है। वन और टेन पैसे में दो प्लेस होते हैं ना, वन सेंटेंस टू प्लेस, पैसा टू प्लेस होता है ना, देखिए वन सेंटेंस ओनली दिस वन ओनली वन प्लेस, वन प्लेस है तो वी विल पुट द जीरो फॉर टेन प्लेस, टेन प्लेस के लिए हम क्या रख देंगे? जीरो। इट मीन्स एक पैसे में कितना रुपी है? पॉइंट जीरो एट, पॉइंट जीरो एट रुपी, दिस वन ओके पॉइंट जीरो एट। नाउ रेस्ट एक्सरसाइज यू कैन डू इट योर सेल्फ, नंबर टू वाले आप कर सकते हो, चलिए डू। नाउ नंबर डी हो गया, ई नंबर ई, ई ई वाले करिए, हाँ 2700 पैसे, तो रुपए बताइए हाउ मेनी रुपए? 2700.0 देखिए, देखिए यहाँ पे दो जीरो काउंट करके डेसिमल लगा देंगे, तो देखिए लिसन 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 में मैम की बात सुनिए, दो डिजिट काउंट करके आप डेसिमल लगाएंगे, इट मीन्स जीरो पैसे है और इयर ओनली 27 रुपीज, क्या बच रहा है? 27 रुपीज, तो ओनली 27 रुपीज, कितने रुपये? 2700 पैसे में कितने रुपये? ओनली ठीक है, ओनली 27। नाउ यस यस 25 पैसे, तो इट मीन्स 1 2 डेसिमल लगा देंगे, इट मीन्स रुपीज 453.25 मीन्स देखिए इतने रुपी है और इतने पैसे हैं, 25 पैसे हैं और 453 ये क्या है? रुपये हो गया और ये हो गया पैसे आपका, ठीक है। आपके पास जी 57,215 पैसे, इट मीन्स वी विल पुट डेसिमल हियर, मेकिंग साउंड, मैं क्लास में करूंगी जो साउंड करेंगे, पॉइंट 15
Four students, see. In this, we will put place of point. Point लगाएंगे one or two number count करके. It means 672 rupees and 15 paise. And next class, अब जो exercise है, rest of all we will do in next class. अगली class में करेंगे, okay? And today जो homework, yes ma'am. Bye ma'am. ये आपका homework है. You have to do complete this. Okay? Okay. Bye. Bye ma'am. Bye ma'am. Bye ma'am. Bye. Welcome. Yes ma'am. Okay. Ma'am. Bye.